हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू ऑल? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो टुडे आई एम योर टीचर पूजा सहानी विद योर बुक ग्रामर ग्लिटर ओडिसी बाय ब्रेन रूट सीरीज। और आज हम करने वाले हैं बच्चों चैप्टर नंबर 7, और चैप्टर नंबर 7 का नाम है पजेशन। ओके, तो चलिए सीखते हैं क्या होता है पजेशन। बच्चों पजेशन ये होता है कि जब कोई किसी की चीज होती है, मतलब कोई किसी चीज के लिए पजेसिव होता है या वो चीज उसकी होती है, वो उसे बिलोंग करती है। आगे देखते हैं हम कैसे दिखाते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में पजेशन को। जैसे कि अब मैं ये कहती हूँ ये पेन है बच्चों, ये किसका है? ये मेरा पेन है, राइट? तो मैं क्या शो कर सकती हूँ इस पेन के लिए? पजेशन शो कर सकती हूँ, बिकॉज दिस बिलोंग्स टू मी। ओके, यही होता है पजेशन। पजेशन शो करना कि ये चीज उसकी है या ये चीज मेरी है, ठीक है? और अब हम ये सीखेंगे बच्चों कि कैसे हम इंग्लिश लैंग्वेज में पजेशन को शो करते हैं। ओके, तो वी एड एन अपोस्ट्रोफी, जो ये साइन होता है ना कॉमा का ऊपर, जैसे ये कॉमा लगा हुआ दिख रहा होगा आपको, इसे हम कहते हैं बच्चों अपोस्ट्रोफी। क्या कहते हैं? अपोस्ट्रोफी। वी एड एन अपोस्ट्रोफी एंड एस, और एस एक छोटा सा एस लगाते हैं आफ्टर सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन के बाद। ओके, टू शो दैट समथिंग बिलोंग्स टू समवन, ये शो करने के लिए कि कोई चीज किसी की है। Something belongs to someone, okay? We also use it to show, हम इसे इसलिए भी लगाते हैं that something is related to another thing, कि कोई चीज किसी दूसरी चीज से related है। जैसे कि example देखते हैं बच्चों, this is Raj's bat। अब ये Raj का bat है, ठीक है, ये bat Raj का है, पर हम इसको कैसे show करेंगे? देखिए, हमने Raj के ऊपर जरा सा comma लगाया, this is apostrophe। एपोस्ट्रॉफी लगाया और फिर हमने लिखा एस, दिस इज राज बैट। तो ये हमें पता चल गया कि ये राज का बैट है। ओके, दिस इज सैम्स स्कूल, ये दिस इज सैम्स स्कूल, तो ये सैम का स्कूल है। अब आपको ये बताना हो कि ये टीचर का पेन है तो कैसे बताएंगे? दिस इज टीचर्स पेन। आप टीचर लिखोगे, ऊपर एपोस्ट्रोफी लगाओगे और फिर एस लिखकर पेन लिखोगे, दिस इज टीचर्स पेन। सो इससे क्या पता चलता है कि ये जो पेन है ये बिलोंग करता है किससे? टीचर से। बैट किससे बिलोंग करता है? राज से। स्कूल किससे बिलोंग करता है? सैम से। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि हम पजेशन को कैसे शो करते हैं एपोस्ट्रोफी मार्क और एस लगा के, बच्चों इसे हम शो करते हैं, ठीक है? वी एड ओनली एन एपोस्ट्रोफी फॉर प्लूरल नाउन्स व्हिच एंड्स विद एस। अब प्लूरल नाउन जो होते हैं बच्चों वो ऑलरेडी एस से एंड होते हैं, राइट? हमने प्रीवियस चैप्टर में सिंगुलर प्लूरल पढ़ा था, जैसे कि आ जाए कैप तो कैप्स, राइट? अब कैप्स आ गया तो ऑलरेडी उसमें एस है, लेकिन अगर हमें प्लूरल नाउन के लिए पजेशन दिखाना है तो हम सिर्फ एक एपोस्ट्रोफी मार्क लगाएंगे, एस नहीं लिखेंगे, बिकॉज ऑलरेडी प्लूरल नाउन में एस है। जैसे कि एग्जाम्पल देखेंगे द गर्ल्स, अब गर्ल्स तो प्लूरल नाउन है और इसमें ऑलरेडी एस है, तो सिर्फ हम क्या करेंगे यहाँ पर एपोस्ट्रोफी मार्क लगाएंगे, द गर्ल्स हॉस्टल इज वेरी बिग। तो आपको पता चल गया कि लड़कियों का हॉस्टल बहुत बड़ा है, तो हॉस्टल किससे बिलोंग कर रहा है? लड़कियों से, राइट? सो यहाँ पर बिलोंगिंगनेस भी शो हो गई, और प्लूरल नाउन है इसीलिए बस हमें याद रखना है प्लूरल नाउन में सिर्फ एपोस्ट्रोफी मार्क लगेगा, एस नहीं लिखा जाएगा। सिंगुलर में एपोस्ट्रोफी मार्क भी लगेगा और एस भी लिखा जाएगा। ओके, द स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स बहुत सारे हैं तो हमें अलग से एस लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एपोस्ट्रोफी मार्क लगाया आपने। द स्टूडेंट्स यूनिफॉर्म आर ग्रीन इन कलर, स्टूडेंट्स की यूनिफॉर्म कलर में कैसी है? ग्रीन है, ठीक है? तो चलिए आगे चलते हैं। यस, अब हमें इसको
ए एक्सरसाइज देखें आप बच्चों, री राइट द एक्सप्रेशंस यूजिंग एपोस्ट्रोफी एस। अब हमें ऐसे लिखना है तो आपको ये और अच्छे से समझ में आ जाएगा। द कार्स ओन्ड बाय रजत, तो कार किसकी है? रजत की है, तो हम कैसे लिखेंगे? रजत कार, ओके, रजत कार। द सॉन्ग दैट बॉय सैंग, बॉयज सॉन्ग, ओके। इस तरह से आप इसे लिखोगे। द मास्क ऑफ द क्लाउन, द क्लाउन मास्क, ओके, द क्लाउन्स मास्क। तो हम क्या कर रहे हैं? हम सब में एपोस्ट्रोफी एस लगा रहे हैं, ओके। द कार ऑफ मिस्टर कुरेशी, मिस्टर कुरेशीज कार, मिस्टर कुरेशी की कार। इस बात का मतलब भी वही है, द कार ऑफ मिस्टर कुरेशी, लेकिन सही तरीका लिखने का यही है, मिस्टर कुरेशीज कार। द बुक्स आर रिटन बाय ई रॉबर्ट्स, सो ई रॉबर्ट्स बुक्स, ओके, ई रॉबर्ट्स बुक। The advice given by my father's advice, okay? So इस तरह से हम possession show करते हैं, belongingness show करते हैं, कैसे बच्चों? apostrophe comma लगा के और s लिख के, किसमें? सिंगुलर नाउंस में, ओके। चलिए अब आगे चलते हैं। रीराइट द सेंटेंसेस टू शो यूजिंग एपोस्ट्रोफी एस टू शो पजेशन। चलिए अब यहाँ पर हमें ये पूरा सेंटेंस लिखना है, तो हम इसे कैसे लिखेंगे? द हाउस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इन इज इन दिल्ली, तो हाउस किसका है? प्राइम मिनिस्टर का, तो क्या लिखेंगे? द प्राइम मिनिस्टर्स हाउस इज इन दिल्ली, राइट। चलिए मैं लिख के बताती हूं आपको। यहां पर नंबर वन, द प्राइम मिनिस्टर्स अपोस्ट्रोफी और एस लगा दिया मैंने यहां पर, हाउस इज इन दिल्ली, ओके। चलिए आगे चलते हैं। The cat broke the nest of the bird. So, किसका nest टूटा है? Bird का nest. So, bird's nest. तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, The cat broke the bird's nest. ओके, तो यहाँ पर आपको पोजेशन शो हो रही है, द कैट ब्रोक द बर्ड्स नेस्ट, ओके। द स्टोरीज रिटन बाय द ऑथर आर वेरी इंटरेस्टिंग, तो कैसे लिखेंगे हम? यहां से ये हटा देंगे और द ऑथर्स स्टोरीज आर वेरी इंटरेस्टिंग, ओके बच्चों, यहाँ पर प्लेस नहीं है इसलिए मैं ऐसे आपको बता रही हूँ। द ऑथर्स स्टोरीज आर वेरी इंटरेस्टिंग, द टेल ऑफ द डॉग गॉट स्टक इन द वायर, सो यहाँ पर ये द टेल ऑफ हटा के हम लिखेंगे द डॉग्स टेल, द डॉग्स टेल गॉट स्टक इन द वायर, ओके। दे सोल्ड द हाउस विच बिलोंग्स टू मिस्टर शर्मा, अब इसमें कैसे लिखेंगे? दे सोल्ड मिस्टर शर्मास हाउस, ओके। सो बिकॉज हाउस किससे बिलोंग करता है? मिस्टर शर्मा से, तो हम इसको कैसे, मैं आपको ये पूरा यहां पर लिख के दिखा देती हूं। नंबर फाइव, दे
sold Mr. Sharma's house, right? तो इस तरह से हम बच्चों belongings शो करते हैं, okay? I hope कि आपको ये समझ में आ रहा होगा. Okay बच्चों, अब हमारे पास है एक vocabulary topic, okay? From your book Grammar Glitter OTC by Brain Root series. और उस vocabulary topic में हमने क्या करना है? Words that go together. वो शब्द लिखने हैं जो ज्यादातर एक साथ लिखे जाते हैं, that go together, मतलब ज्यादातर ऐसा होता है बच्चों कि हम उन्हें एक साथ लिखते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. Which of these words go with each other? The first one has been done for you. First one क्या है? Pen के साथ हम क्या लिखते हैं? Pen and paper. Okay? चलिए अब हम आगे लिखते हैं. Sing and dance. Okay? तो हम क्या लिखते हैं बच्चों ज्यादातर? Sing and dance, right? तो इस तरह से हम लिख सकते हैं या फिर हम इसे मैच भी कर सकते हैं, सिंग एंड डांस. ओके, रीड एंड राइट, वेरी गुड, रीड एंड राइट, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन. तो यहाँ पर हम फोर नंबर भी लिख देंगे ताकि आपको इजी रहे पहचानने में. ओके, ब्रेड एंड ब्रेड के साथ ज्यादातर हम क्या खाते हैं बच्चों? बटर. और हम लिखते भी ऐसे ही हैं, ब्रेड एंड बटर, राइट. थंडर एंड लाइटनिंग. ओके, थंडर मतलब तूफान, लाइटनिंग मतलब जब बिजली चमकती है, तो थंडर एंड लाइटनिंग. ओके, चलिए सेवन देखते हैं, मेन एंड वुमेन. तो यहाँ पर सेवन नंबर आ जाएगा, मेन एंड वुमेन. मिल्क एंड क्या आएगा बच्चों? मिल्क एंड शुगर, राइट. तो ये हो गया नंबर एट, मिल्क एंड sugar. thread and needle, thread and needle, because thread मतलब धागा, needle मतलब सुई. तो हम कहते हैं ना सुई धागा दे दो, thread and needle. तो ये वो words हैं बच्चों जो हम ज्यादातर एक साथ use करते हैं. pillow, bedsheet, yes this is here, pillow, bedsheet. okay, चलिए अब आपको ये समझ आ गया होगा कि इनके हम पेयर्स बना देते हैं, राइट. जैसे कि पेन एंड पेपर, सिंग एंड डांस, रीड एंड राइट, अप एंड डाउन, थंडर एंड लाइटनिंग, ब्रेड एंड बटर, मेन एंड वुमेन, मिल्क एंड शुगर, थ्रेड एंड नीडल, पिलो एंड बेडशीट. ओके, चलिए अब आगे देखते हैं क्या है हमारे लिए. वी ऑलरेडी नो, हमें पहले से ही ये पता है दैट सम वर्ड्स आर मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, कि जो कुछ वर्ड्स होते हैं ना वो दो वर्ड्स से मिलकर बनते हैं. जैसे कि बच्चों उन वर्ड्स को हम क्या कहते हैं? कंपाउंड वर्ड. क्या कहते हैं बच्चों हम उन्हें? कंपाउंड वर्ड. वो वर्ड्स जो दो वर्ड्स को जोड़ के बनते हैं उनको क्या कहा जाता है? कंपाउंड वर्ड्स. ओके, चलिए जैसे कि फुट और बॉल को अगर हम जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? फुटबॉल, राइट. आर्म प्लस चेयर को जोड़ेंगे तो आर्म चेयर बन जाएगी, ठीक है. इसी तरह से बच्चों यहाँ पर ये आपको ग्रिड दी हुई है, इसमें से आपको वर्ड ढूंढना है और इस फर्स्ट वर्ड के साथ जोड़ के एक न्यू वर्ड आपको बनाना है. जैसे कि रेन के साथ क्या जोड़ेंगे हम? ब्रश, हाउस, थिंग, रेन, फास्ट, फादर, लाइट, नेल एंड बो. यस, रेन प्लस बो क्या बन जाएगा बच्चों? बताएं जल्दी से, रेनबो. वेरी गुड, रेन प्लस बो इज इक्वल रेनबो. अब मून, मून मतलब चांद, मून के साथ हम क्या जोड़ेंगे? मून में क्या होता है? मून में होती है लाइट. सो मून प्लस लाइट, तो क्या हो जाएगा ये? मून लाइट. तो फिर ये एक वर्ड बन जाएगा, ठीक है. स्कूल प्लस बस. ओके, सो स्कूल प्लस बस, स्कूल बस. ओके, नाउ एनी प्लस थिंग बन जाएगा यहाँ पर एनीथिंग. ओके, राइट. ब्रेक प्लस क्या होगा? ब्रश, हाउस, रिंग, फास्ट, फादर,
ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट करते हैं ना आप सब, नाश्ता करते हैं ना, नाश्ते को क्या कहते हैं? ब्रेकफास्ट। तो यहाँ पर बन जाएगा ये न्यू वर्ड ब्रेकफास्ट। प्लीज आप मेरे साथ साथ लिखते जाएं ताकि आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाए। ग्रैंड प्लस फादर, ग्रैंड फादर, ओके। ग्रैंड प्लस फादर क्या हो जाएगा बच्चों? ग्रैंड फादर, ओके। चलिए अब ये चारों आपको अपने होमवर्क में करने हैं, ओके। मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ, बहुत इजी है। यहाँ जो बचे हुए वर्ड्स हैं उनमें से ढूंढ के आपको एक न्यू वर्ड बनाना है, राइट। नाउ लुक एट द पिक्चर एंड राइट देयर नेम्स। अब आपको यहाँ पे नेम लिखने हैं। तो ये क्या पिक्चर है बच्चों? यहाँ पे ये कंपाउंड वर्ड है, क्योंकि ये दो वर्ड से मिलकर बना है ये वर्ड। सो ये क्या है बच्चों? ब्लैक बोर्ड। सो हम यहाँ पे लिख देंगे ब्लैक बोर्ड, राइट। अब ये क्या है? टेबल टेनिस, टेबल टेनिस, ओके। और ये क्या है? रेन कोट, रेन कोट, ओके। तो ये जो आपको मैंने ये चार दिए हैं, ये आपको करने हैं होमवर्क में, चलिए, ओके। सो आई होप कि अब आपको ये भी समझ आ गया होगा कि कुछ वर्ड्स जो दो वर्ड्स को जोड़ के बनते हैं उन्हें हम कहते हैं कंपाउंड वर्ड, और कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो ज्यादातर एक साथ ही लिखे जाते हैं, राइट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।